हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजकुमार धाकड़ हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आप सभी का स्वागत करता हूँ राजगिरी कच्छ एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम इथिलीन के फंक्शन पढ़ेंगे। वैसे मैंने सारे ये ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको क्लास में पढ़ा दिए हैं, फिर भी आपके लिए ये दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इथिलीन का फंक्शन, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको पूरा देखिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में, REHO में, ADA में, ये सभी में जितने भी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, हॉर्मोन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या दोस्तों, इंट्रोडक्शन जो है एथिलीन का। निजू बॉब इन 1991 आइडेंटिफाइड एथिलीन इन लेबोरेटरी ईयर फ्रॉम इल्यूमिनेटिंग कोल गैस। तो सबसे पहले जो ना निजू बॉब ने देखा था 1991 में, किसमें देखा था कि जो कोल गैस था उसमें जो उसमें उसको देखा गया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। विच कॉज टिपिकल सिम्टम्स इन इटियोलेटेड पी सीलिंस ग्रो इन डार्क इन लैब। तो क्या कर रहा था कि जो इटियोलेटेड पी सीलिंग्स था, इटियोलेटेड उसको बोलते हैं जो अंधेरे में उगाए जाते हैं, डार्क में उगाए जाते हैं, उनमें कुछ वो डिफरेंट सिम्टम्स वो कर रहा था। वो डिफरेंट सिम्टम क्या था, जैसे कि इनिबिशन ऑफ स्टॉन्ग इलोंगेशन, जो स्टॉन्ग का इलोंगेशन था उसको क्या कर रहा था, वो इनिबिट कर रहा था, कम कर रहा था। इनिबिट करना मतलब कम करना, मीन्स जो स्टार्ट में जर्मिनेशन समय स्टॉन्ग के इलोंगेशन को कम कर रहा था। स्टिमुलेशन ऑफ रेडियल स्वेलिंग ऑफ स्टेम्स, देखो स्टिमुलेट करना, जो रेडियल मतलब चौड़ाई, सॉरी मोटाई, चौड़ाई मीन्स मोटाई, मोटाई में उसको बढ़ा रहा था, स्वेलिंग मीन्स मोटाई में उसको बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट कर रहा था। और थर्ड फंक्शन क्या था, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ स्टेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। तो दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही थी किसकी, स्टेम की, किसके विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के सापेक्ष में जो उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही थी स्टेम की, उसको वो क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। तो दोस्तों, अब ये तीन फंक्शंस एक साथ कर रहा था वो, कौन, इथिलीन। ये तीन फंक्शंस का जर्मिनेशन पे फायदा क्या, इसका लाभ मिल रहा था, तो ये आगे बताया है। दीज सिम्टम्स वर लेटर टर्म्ड एज ट्रिपल रिस्पॉन्स, बाद में इनको क्या कहा गया, इनको ट्रिपल रिस्पॉन्स कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, ट्रिपल रिस्पॉन्स कहा गया। ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन जो इथिलीन के तीन कार्यों का क्या रिस्पॉन्स निकल रहा था, जो इथिलीन का ट्रिपल रिस्पॉन्स था, इससे क्या हो रहा था दोस्तों कि हमारा जो तना था, जो हुक फॉर्मेशन होता है, देखो जो आपने देखते होंगे कि ऐसे समय में क्या होता है कि जो जर्मिनेशन होता है तो पत्तियां नीचे की तरफ होती हैं और जो तना होता है हुक के समान निकलता है ऊपर की तरफ। तो वो उस हुक से क्या हो रहा था कि उसमें इजीली जो सॉइल को ब्रेक करने में उसको इजी होता है, तो इसको क्या बोला गया, ट्रिपल रिस्पॉन्स कह गया। वर नॉट ऑब्जर्व इन लिटिल इटोलेटेड पी सीलिंग्स ग्रोन इन नॉर्मल एयर फ्री फ्रॉम द कोल गैस। और बाद में क्या किया गया, जो कि कोल गैस फ्री एरिया में, कोल गैस फ्री एरिया में जब उसी पी सीलिंग को ग्रो किया गया तो वो नहीं देखा गया। इस तरह से उसको उनको लगा कि इसमें कोई गैस है जो कि इथिलीन थी। गेन 1934 क्लियरली एस्टेब्लिश द इथिलीन इन एक्चुअली अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ रैपनिंग फ्रूट। जो गेन थे वो 1934 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बता दिया कि जो नेचुरल इथिलीन है वो एक्चुअली क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, किसका, रैपनिंग ऑफ फ्रूट का, फ्रूट के रैपनिंग से उनको वो पाया गया। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग हेस्टनिंग रैपनिंग प्रोसेस, वो किसके लिए जिम्मेदार है, वो फलों के पकने के लिए। इसका मीन क्या हुआ, सेवरल अदर एक्सपेरिमेंट फाउंडेड एविडेंस इथिलीन बीइंग प्रोड्यूस्ड नॉट ओनली बाय रैपनिंग फ्रूट बट आल्सो
फ्लावर सीड लीव्स। तो उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटों से पता चला कि इथिलीन एक रैपिंग फ्रूट से ही नहीं निकल रही, बाकी और भी कई जगह से निकलती है, जैसे कि सीड से निकल रही है, फ्लावर से निकल रही है, लीव से निकल रही है। तो इन चीज़ों का भी उन्होंने क्या है बहुत एक्सपेरिमेंटल ध्यान दिया, तो उसके बाद में बहुत अच्छा लाभ हुआ। द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिलीन हार्मोन रेगुलेटर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वाज रियलाइज ओनली आफ्टर एडवेंट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, जो क्या है एडवांस्ड गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है, उससे इसको क्या किया गया इसको बाद में पता चला। एंड इट्स यूज इन द इथिलीन रिसर्च सून दिस वॉज द फॉलोड बाय द एन एडवांस एडवांस एवेलेंच ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क ऑन द इथिलीन एंड फाइनली इथिलीन इमर्ज एज अ कंसेप्ट नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन। बाद में क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जो एडवांस क्रोमेटोग्राफी होती है उससे भी उसको पता चला। बाद में ये फाइनली हुआ कि ये जो है ना नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। कैसा नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इसे बाद में ये ज्ञात हो गया कि ये नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। केमिकल नेचर क्या होता है इथिलीन का, देखो केमिकल का सीधी बात है, केमिकल नेचर क्या होता है, C2H4 जो होता है उसको सभी लोग जानते हैं इथिलीन को, जब जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको सब अच्छे से मालूम होता है। मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, इज अ वेल नोन एंड सिंपल ऑफन गैस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो कैसा होता है आपको हम बता देते हैं। मान लो ये चार कोने हैं, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, इस कोने से हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कोने से चार कॉर्नर पर चार हाइड्रोजन होंगे, और एक यहाँ पर कार्बन होगा, एक यहाँ पर कार्बन होगा, और दोनों कैसे डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब अपन देखते हैं जो मेन इंपोर्टेंट है, फिजियोलॉजी का रोल क्या होता है हार्मोन का। तो सबसे जो उसका फिजियोलॉजी का रोल मेन होता है क्या है, फ्रूट राइपनिंग। क्या होता है फ्रूट राइपनिंग, तो दोस्तों फ्रूट राइपनिंग कैसे करता है ये, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑफ इथिलीन इज द राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड देयर फॉर इथिलीन इज नोन एज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। तो इसका जो सबसे अहम जो वर्क है, फंक्शन है, क्या है, फलों को पकाने का, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट रिएक्ट डिफरेंटली विथ एक्जोजीनियस एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। बहुत जो सारे फ्रूट्स होते हैं उनको अगर अलग अलग डोज में अगर इथिलीन देते हैं अपन एक्जोजीनियसली बाहर से, तो उनका अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि कुछ कितने कॉन्सेंट्रेशन में अच्छा रैफ हो रहा है, किसी कुछ अच्छा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर रैफ हो रहे हैं। इन क्लाइमेट्रिक फ्रूट सच एज एप्पल बनाना टोमेटो, तो दोस्तों क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं, जो सार्फ राइज ऑफ रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग और राइपनिंग, जिनका जो रेस्पिरेशन है थोड़ा सा बढ़ जाता है और जो हार्वेस्टिंग के बाद पकाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं। एक्सपोजर ऑफ मैच्योर फ्रूट टू इथिलीन रिजल्ट इन द रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्लाइमेट्रिक। तो क्या हो रहा दोस्तों इसमें कि जो है क्या जो क्लाइमेटिक रिस्पॉन्स क्या होता है कि मार्क्ड इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ राइपनिंग। तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और इसके साथ एथिलीन प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो जो इथिलीन होती है वो क्या करती है, कैटालिटिक ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, उसे क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, जो जो क्या होता है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और इसका जो कलर होता है वो भी येलो होना शुरू हो जाता है। एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन बाय राइपनिंग फ्रूट इज ऑटो कैटालिटिक, बट इन नॉट क्लाइमेटिक फ्रूट सच एज सिट्रस फ्रूट एंड ग्रेप्स इथिलीन ट्रीटमेंट डज नॉट कॉजेज रेस्पिरेशन। देखो आपको तो पहले क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक पता होना चाहिए। नॉन क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट्स होते हैं अगर आप इनको तोड़ लेते हो, किससे, प्लांट से इसको हार्वेस्ट कर लेते हो, तो हार्वेस्टिंग के बाद ये राइप नहीं होते हैं। ये जैसे आपने नींबू देखा होगा, नींबू को अगर हमने हरा तोड़ लिया तो कभी पीला नहीं होगा, वो हरा ही सूख जाएगा। तो आप अभी याद रखिए नींबू के एग्जाम्पल से कि आपको, तो आपको आपके लिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं
बताइए कि सपोटा क्लाइमेट्रिक है नॉन क्लाइमेट्रिक, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए, वो जो जो है नॉन क्लाइमेट्रिक उसमें ऐसा रेस्पिरेशन वगैरह का फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट है प्लूमल हुक फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था अभी, प्लूमल हुक फॉर्मेशन अच्छे से डिटेल में बताया था। इन इटियोलेटेड डाइकोट सीलिंग द प्लूमल टिप सूट जो अपेक्स होता है, प्लूमल टिप मतलब जो अगर जर्मेट होता है तो वो प्लूमल टिप यूजली बेंट लाइक अ हुक, वो नब जाता है, मुड़ जाता है, कैसे, हुक नुमा में। आपने जो हैंगर्स होते हैं जिससे अपन कपड़े टांगते हैं तो उसमें वो एक हुक्सा होता है ऊपर, इस तरह से वो बेंट हो जाता है। दिस हुक शेप इज एडवांटेजियस टू सीलिंग फॉर पेनिट्रेशन थ्रू द सॉइल, और वो क्या करता है जर्मेशन के समय वो सॉइल को तोड़ने में सहायक होता है। अगर देखो डायरेक्ट पत्ती जोर लगाएगी तो पत्ती को इंजर होने का खतरा रहता है, तो वो क्या होता है कि मुड़ के डबल हो जाता है वो, तो वो उसे सॉइल को तोड़ने में अच्छा सहायक होता है। तो दोस्तों हुक फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं, जैसे वो बेंट हो जाए यू शेप में, यू शेप में, अब तो आप समझे यू शेप में बेंट हो जाए, और प्रोटेक्ट द टेंडर एपिकल ग्रोइंग पॉइंट फ्रॉम द बीइंग इन इंजर्ड। और वो किससे क्या करता है कि जो एपिकल पोर्शन होता है प्लांट का उसको क्या करता है, उसको वो इंजर होने से बचाता है, तो इसको एक हुक फॉर्मेशन बोलते हैं। द प्लूमर हुक फॉर्मेशन एंड इट्स मेंटेनेंस इन इटियोलेटेड सीलिंग, आपको बता दिया है डार्क सील, डार्क में जो ग्रो होते हैं उनको इटियोलेटेड बोलते हैं, सीलिंग आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन इन द रीजन विच कॉजेज एसिमेट्रिक एंड अनइक्वल ग्रोथ। देखो दोस्तों ये जो पॉइंट है कि इथिलीन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें मैंने आपको ट्रिपल रेस्पॉन्स बताया कि उसमें असिमेट्रिक ग्रोथ होती है। हुक फॉर्मेशन अगर होगा तो यू जो यू के ऐसे अनुसार में अगर जो सॉरी यू के उल्टा यू के अनुसार में जो वो होगा हुक फॉर्मेशन, तो आप सोचिए कि उसके जो यू का टॉप होगा वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो अनइक्वल ग्रोथ होती है ऑन द टू साइड ऑफ द प्लूमर टिप। इथिलीन कॉजेज मोर रैपिड इलोंगेशन ऑफ आउटर साइड ऑफ प्लूमल। देखो आपको मैं कैसे तो दोस्तों हुक फॉर्मेशन क्या होता है ये देखिए, ये जो है ना जैसे ये हुक बन गया, ये हुक बन गया, क्या है हुक बन गया दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल जो ग्रोथ होता है, अनइक्वल जो ग्रोथ होती है ना, ये देखो ये कहाँ होती है, क्योंकि आप देखो कि जो इस एरिया में ये जो एरो दिख रही है इस एरिया में क्या होगा कि ज़्यादा ग्रोथ होगी, सेल की इलोंगेशन ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मुड़ रहा है, यहाँ पर बहुत कम ग्रोथ होगी, आप देखिए यहाँ पर बहुत कम ग्रोथ होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो इसी अब इसी को क्या है अनइक्वल ग्रोथ बोलते हैं, एसिमेट्रिक ग्रोथ। इसी कारण क्या होता है कि ये जो पोर्शन है मिट्टी को इजिली तोड़ देता है, तो सबसे पहले क्या एक फंक्शन करते हैं तिलिन के, जो इसका जो है इसकी ग्रोथ को रोकती है, स्टेम की ग्रोथ को। ये आपको बताया ना पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या करती है कि इसकी मोटाई को बढ़ाता है, इसकी और इसकी मोटाई को बढ़ाता है तिलिन, दूसरा इसकी मोटाई बढ़ेगी, तीसरा जो एक हुक फॉर्मेशन कर देता है, ऐसे जो हुक फॉर्मेशन कर देता है, ये तीनों जो फंक्शंस हैं वो इतनी करता है एट एस कब जर्मेशन के समय पर। इससे क्या होता है कि जो उस जो मिट्टी की जो लेयर को ब्रेक करने में उसको इजीली होती है, इजी उसको आसानी होती है, तो इसी को हम ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि जो इजीली प्लांट सॉइल से बाहर आ जाता है, और जो ये कोटलीड लीव्स होती हैं ये इसी को जो बोलते हैं जो जो कि इंजरी से बच जाता है। तो दोस्तों ये सभी आपको इसी में यही समझा है, आप इसी को अच्छे से, आपको डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। इथिलीन कॉजेज मोर रैपिड इलोंगेशन आउटर साइड, देखो यहाँ जो मोर रैपिड इलोंगेशन बताया गया, व्हेन द सीलिंग इज एक्सपोज इन वाइट लाइट फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन डिक्रीज, वाइट लाइट में फॉर्मेशन नहीं होगा, द इनर साइड ऑफ द हुक आल्सो इलोंगेटेड रैपिडली इक्वलाइजिंग द ग्रोथ ऑन द टू साइड एंड द हुक ओपन्स। फिर इसमें क्या है हुक इतना अच्छा नहीं बनता है, रेड लाइट इज मोर इफेक्टिव इन ओपनिंग ऑफ प्लूमर हुक, ये अलग अलग लाइट लाइट का इफेक्ट।
इफेक्ट दिया है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट का इफेक्ट दिया है, तो अपन को तो मेनली उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हुक फॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स जो था मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई दिया है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, अभी होता है कि स्टेम की ग्रोथ को जो पहला पॉइंट कम करना, उसकी मोटाई बढ़ाना, तीसरा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो हो रही थी ना, तो ये हुक फॉर्मेशन होता है इससे, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से। ये थर्ड वन पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ एडवांस रूट रूट्स एंड शूट हेयर्स, रूट हेयर्स। तो ये क्या, इतनी इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एडवांस रूट इन प्लांट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट सच एज लीव्स, स्टेम, पेडंकल एंड अदर रूट इन मैनी प्लांट स्पेशली अरेबिडोप्सिस, इतनी ट्रीटमेंट प्रोमोट्स इनिशिएशन ऑफ रूट हेयर्स। तो जो दोस्तों जो अरेबिडोप्सिस प्लांट होते हैं उनमें क्या करता है, इसमें रूट हेयर्स बनाने को इथिलीन प्रमोट करता है। अब आपको पता होना चाहिए ये साले क्या करता है, रूट का एडवेंचर रूट भी निकालता है। किस किस में निकालता है एडवेंचर, मतलब तो पत्तियों से तरह से जड़ें निकलती हैं ना, आपने बंगाल ट्री देखा होगा जिसको बरगद का पेड़ बोलते हैं, उससे जो जड़ निकलती है उनको भी एडवेंटेजियस रूट बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो रूट किससे निकलती है, लीफ स्टेम पेडंगल से निकलती है, वो एडवांस रूट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ। अगर तो इतनी इज नोन इनिबिशन लीनियर ग्रोथ ऑफ रूट इन डाइकोट, जी डाइकोट प्लांट्स के लिए स्पेशली, किसके लिए है, डाइकोट प्लांट्स में रूट ग्रोथ को कम करता है। लीफ एपिनेस्टी, देखो दोस्तों लीफ एपिनेस्टी क्या होती है, तो जब क्या होता है दोस्तों, जो लीव्स जो होती है अगर उसके ऊपरी सरफेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, क्या है, ऊपरी सरफेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो और निचली सरफेस में कम ग्रोथ हो, तो लीव्स क्या होता है कि कर्व्ड हो जाती है, लीफ लीफ में कर्व बन जाता है, लीफ मुड़ जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एपिनेस्टी बोलते हैं। एपिनेस्टी मीन्स जिस ज्यादा मूवमेंट कहाँ हो रही है, ऊपर। एपी मीन्स एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लिया है एपी, तो ऊपरी सरफेस में ज्यादा ग्रोथ हो रही है और निचली सरफेस में कम ग्रोथ हो रही है। तो इससे क्या, जो पत्ती है वो अपना कैसे नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं, एपिनेस्टी बोलते हैं। ऊपरी सरफेस को अडेक्जियल बोलते हैं, नीचे की सरफेस को अबेक्जियल बोलते हैं। दोस्तों ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, अडेक्जियल में ज्यादा ग्रोथ होती है, अबेक्जियल में कम ग्रोथ होती है। और दोस्तों स्पेशली इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये किस किस में ज्यादा देखा गया है, टमाटो में, पोटैटो में, पी एंड सनफ्लावर में। तो प्लीज इसको आप ध्यान रखना, ये वहाँ बहुत देखा गया है। तो दूसरा दोस्तों, ये मोनोकोट में ये ऐसी मूवमेंट दिखाई नहीं देती है। हाई कंसंट्रेशन ऑब्जेक्ट स्ट्रेस कंडीशन सच एज साल्ट स्ट्रेस, वाटर लॉगिंग, पैथोजन डिफरेंस इपिनेस्टी इंड्यूस थ्रू इंक्रीज द एथिलीन फॉर्मेशन। देखो दोस्तों क्या इसमें क्या बोला, जब हायर कंसेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, कहाँ पर, जहाँ स्ट्रेस कंडीशन होती है, चाहे फ्लड आ गई, चाहे बाढ़ आ गई, कोई आ गई, तो वहाँ पर क्या है, इथिलीन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर भी इपिनेस्टी देखने को मिलती है। तो आपको हमने भी ऑक्सीजन में भी इपिनेस्टी पढ़ाया था, तो टमाटो वगैरह में ये सब देखने को मिलती है, फ्लावरिंग। तो दोस्तों जो इथिलीन होता है वो किस किस में फ्लावरिंग करता है, इथिलीन इज नोन टू इनहिबिट फ्लावरिंग इन प्लांट्स, हावर इन पाइनएप्पल एंड इट्स एलाइट आल्सो इन मैंगो इंड्यूस फ्लावरिंग। देखो दोस्तों जो प्लांट पैक्स वगैरह यूज करते हैं पाइनएप्पल में, उसमें इथिलीन होती है, वो क्या करती है कि उसमें पाइनएप्पल में और मैंगो में इथिलीन को इंड्यूस, वो फॉलो सॉरी फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। तो ये बहुत अच्छा, ये कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि ये फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रही है, तो ये इसको हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये हमें अच्छी ईल्ड लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो पाइनएप्पल और किस में दोस्तों, पाइनएप्पल और मैंगो में, पाइनएप्पल एंड मैंगो में ये क्या करता है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। प्लेम्बेगो इंडिका जो द सोडे प्लांट है, कैन बी मेड टू फ्लावर इवन अंडर नॉन इंडक्टिव लॉन्ग डे विद एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। देखो दोस्तों ये जो क्या सोडे प्लांट है, कौन सा, प्लेम्बो सोडे प्लांट है, तो इसको अगर हमें लॉन्ग डे में इसको रख दें और इसको इथिलीन दे दें तो भी इसमें फ्लावरिंग हो जाती है।
जो नेक्स्ट हमारा जो पूरा सेक्स एक्सप्रेशन, दोस्तों कुकुरवेट्स में पिछले वीडियो में हमने सारा पढ़ा दिया है सेक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, कौन कौन से केमिकल्स को सेक्सन करते हैं। तो ये आपको दोस्तों ये 100% क्वेश्चन आता है सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुरवेट्स में। तो कुकुरवेट्स में सेक्स एक्सप्रेशन हम आपको वो पिछली स्लाइड में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, पिछली स्लाइड में इवन दैट हमने आपको जो टिश्यू कल्चर वाली में भी ये सेक्स एक्सप्रेशन पढ़ाया है, तो आप पिछली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो सेक्स एक्सप्रेशन क्या होता है हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं। इसमें क्या है, सेक्स को मॉडिफाई करते हैं, मेल और फीमेल फ्लोरा को मॉडिफाई करते हैं जिससे कि अच्छे से अच्छी ईल्ड ले पाएं। जैसे कि जो इथिलीन और इथोफोन होती है क्या फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन को बढ़ाती है, किसको, फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन बढ़ाती है। ये दो लीप स्टेज पे, दो ट्रू लीप स्टेज पे हम इसको अप्लाई करते हैं, तब क्या इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड आती है। इसके साथ NAA वगैरह ही बढ़ाते हैं, जो जो सिल्वर के जो कंपाउंड होते हैं Ga3 एंड सिल्वर, ये क्या करते हैं कि ये मेल फ्लावर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, किसमें, गायनोसिस प्लांट में। दोस्तों अब आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक सेनेसेंस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को तो सेनेसेंस समझ में नहीं आता कि होता क्या है। तो दोस्तों सेनेसेंस का मीनिंग ये होता है एजिंग, बुढ़ापा आना, सेनेसेंस आना। अब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है कि जो जो क्लोरोफिल कंटेंट है, तो क्लोरोफिल है जो उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जो डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा तो क्या होगी, जो पत्ती है वो पीली दिखने लगेगी। और जो डिग्रेडेशन होता क्यों है, क्योंकि उस टाइम जब एब्सिसिक लेयर बन जाती है लिप्स के बेस में, तो उससे क्या है उसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम हो जाता है या पूरा बंद हो जाता है, साइटोकाइन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो इससे क्या है वो पत्ती बुजुर्ग होने लगती है। इतनी नेज द सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर इन प्लांट ड्यूरिंग द सेनेसेंस कंसेंट्रेशन ऑफ एंडोजिनस एथिलीन इंक्रीज, जो है एंडोजिनस एथिलीन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, विद डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइन एंड इट्स नाउ जनरली हेल्ड एट द बैलेंस ऑफ दिस टू फाइटो हार्मोन कंट्रोल सेनेसेंस। देखो दोस्तों साइटोकाइन का जो है ना वो क्लोरोफिल कंटेंट को बढ़ाता है साइटोकाइन, तो साइटोकाइन का घटता है और इसका बढ़ता है, तो दोस्तों क्लोरोफिल कंटेंट कम होता जाएगा और इथिलीन के कारण जो डिग्रेडेशन होता जाएगा, तो इससे क्या है पत्ती पीली होती जाएगी। फ्रेशली कट कार्नेशन फ्लावर व्हेन द हेल्ड हेल्ड इन वाटर इन अ कॉनिकल फ्लास्क लूज कलर ऑफ देयर पेटल्स एंड वेदर विद इन अ फ्यू डेज, बट इफ द कट कार्नेशन हेल्ड इन कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सिल्वर थायोसल्फेट सॉल्यूशन दे रिमेन द फ्रेश फॉर मेनी वीक्स। देखो जो सिल्वर सिल्वर थायोसल्फेट जो सॉल्यूशन है दोस्तों, ये क्या कर रहा है कि उसके सेनेसेंस को रोक रहा है, इसीलिए इससे फ्रेश बना हुआ है, और विदाउट अगर हम लोग रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लूज कलर ऑफ देयर पेटल्स एंड विदर, वो बहुत सूख जा रहा है। देखो आप देखो वो सूख गया है, यहाँ तक ये सूख गया है, और इसके बाद इसमें रखा है तो वो हरा बना हुआ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था इथिलीन का। दूसरा दोस्तों जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, एब्सिजन ऑफ लीव्स। लीव्स का एब्सिजन क्या होता है दोस्तों, कि लीव्स एक एक टाइम आता है किसमें लीव्स टूट के गिर जाती हैं, तो दोस्तों क्या होता है इतनी प्रमोट द एब्सिजन ऑफ लीव्स, जो एब्सिजन करता है इन प्लांट्स। ओल्डर लीव्स आर मोर सेंसिटिव देन द यंगर लीव्स फ्यूमिगेटिंग विथ बाल टाइप ऑफ बर्च ट्री बेटुला पेंडुला विद 50 ppm मिथिलीन रिजल्ट इन द रैपिड डिफोलिएशन ऑफ द ट्री विद इन द फ्यू डेज। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि अगर हम लोग बेटुला पेंडुला में 50 ppm मिथिलीन का एप्लीकेशन कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो उसकी 3 दिन में सारी पत्तियां गिर जाती हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इथिलीन है वो क्या कर रहा है, एजिंग को उसकी को ऑक्सीजन को बढ़ा रहा है। ऑक्सीजन मैंने आपको एक क्लास में पूरा पढ़ाया है कि जो लीव्स का पेट्यूल होता है, लीव्स का जो डंठल होता है, तो उसके बेस में जहाँ वो स्टेम से जुड़ा होता है वहाँ पर एक ऑक्सीजन लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन या साइटोकाइन का जिनके वो है ना उनके कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगते हैं, जिससे कि वो
जल्दी उसमें तिल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सेम इसकी जो है ना ऑक्सीजन जैसा ही है इसमें, सेनेशन जैसा ही ऑक्सीजन का। द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और टू साइड ऑफ एसिड लेयर हैज रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन दैट स्टिमुलेट ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये क्या है, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन टू साइड ऑफ ऑक्सीजन लेयर हैज रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन। तो जो क्या है, इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये घट जाता है। देखो ये इसमें यहाँ पर ये दिया है कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इथिलीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों ये कैप्सिजन था। दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रेकिंग डोरमेंसी। तो दोस्तों ये जो होता है ये भी क्या करता है कि डोरमेंसी ब्रेकिंग में सहायक होता है। इथिलीन इज नोन एज ब्रेक डोरमेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड डोरमेंसी इज ऑब्जर्व इन स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल। देखो दोस्तों जो स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल में क्या करता है, ये सीड की जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है और इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, डोरमेंसी ब्रेकिंग में। एंड द अदर प्लांट ट्रीटमेंट विद एथिलीन नॉन डोरमेंट वैरायटी ऑफ सीड प्रोड्यूस मोर एथिलीन देन दोज ऑफ डोरमेंट वैरायटी। तो ये इन्होंने बोला है कि अदर प्लांट में अगर हम एथिलीन नॉन डोरमेंट वैरायटी ऑफ सीड प्रोड्यूस मोर एथिलीन देन द डोरमेंट वैरायटी। वो जो नॉन डोरमेंट वैरायटी है वो क्या कर रही है कि बहुत ज़्यादा एथिलीन प्रोडक्शन कर रही है, इससे क्या होता है उनकी डोरमेंसी स्वतः ही ब्रेक हो जाती है। इन मैनी प्लांट्स रेट ऑफ जर्मिनेशन इंक्रीज बाय द एथिलीन एंड द क्लोन्स क्लोज कोरिलेशन हैज बीन फाउंड बिटवीन एथिलीन फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन इन द पीनट रैकेस हाइपोजिया, जो मूंगफली ग्राउंडनट का जो साइंटिफिक नेम है। इन मैनी प्लांट डोरमेंसी और बर्ड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय एथिलीन ट्रीटमेंट। देखो दोस्तों जो एथिलीन ट्रीटमेंट से भी डोरमेंसी ब्रेक की जा सकती है कई सारे प्लांट में, जैसे पोटैटो ट्यूबर एक्सपोज एथिलीन ऑर्डर टू स्प्रॉट द डोरमेंट बर्ड। जो पोटैटो में भी बोल रहा है कि अगर पोटैटो को हम एथिलीन में एक्सपोज कर दें, उसमें डाल दें, तो उसकी डोरमेंट बर्ड भी स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ एथिलीन दोस्तों ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे, बहुत लेंदी है। तो ये अपना एथिलीन समाप्त हो गया दोस्तों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने लोगों को हमारा अगर क्लास पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। मुझे आपसे बड़ी आशा है, अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो दोस्तों हमारी भी हेल्प करें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसको शेयर करोगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो दोस्तों हमारा जो चैनल है उसका डिमांड बढ़ेगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो दोस्तों, पसंद अगर हमारा चैनल वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।